हाँ जी, सत श्री अकाल सारिआं नूं। अज मैं तुहाडे सामने फिर तो हाजिर अपनी नैक्सट वीडियो लैके। तो अज का जिहड़ा टॉपिक है वह राइट एंड एसे है। राइट एंड एसे इज़ द सैकेंड मॉड्यूल ऑफ द राइटिंग सैक्शन। जो मैं अपनी लास्ट वीडियो दे विच डिस्कस कीता सीगा वो समराइज रिटन टैक्सट सी, ते उहदा वो मॉड्यूल फस्ट मॉड्यूल सीगा राइटिंग सैक्शन का। तो एसे जिहड़ा हैगा वो सैकेंड मॉड्यूल है राइटिंग सैक्शन का। एंड इट कॉन्ट्रीब्यूट इन राइटिंग सैक्शन ओनली। इहदी जिहड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगी वो सिर्फ राइटिंग सैक्शन दे विच ही रहेगी। एंड इट विल कॉन्ट्रीब्यूट 12 मार्क्स इन द राइटिंग सैक्शन। ये 12 मार्क्स कॉन्ट्रीब्यूट करता है राइटिंग सैक्शन के विच। एंड इट इज़ अ सिंपल टास्क। सिंपल टास्क आप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इतने आप टैंपलेट यूज कर रहे हैं। पर जो भी तुसी कोई टैंपलेट यूज करते हो तो उस टैंपलेट का स्ट्रक्चर ध्यान रखना है कि जो ये स्ट्रक्चर हैगा ये सारे पॉइंट्स नू सैटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगे मैं उस स्ट्रक्चर भी थोड़े नाल डिस्कस कर रही हूँ कि स्ट्रक्चर एक्चुअल ऐसे का होना किवें दा चाहिए है। एंड यू विल गैट 1 to 2 क्वेश्चन इन द फाइनल एग्जाम। इट डिपेंड्स कि थानू रिटन टैक्स के 2 क्वेश्चन आते हैं या एसे के 2 क्वेश्चन आते हैं। सो जो अगर थानू 2 क्वेश्चन आ रहे हैं फाइनल दे विच, तां यू मस्ट हैव क्लीयर कि तुसी सेम टैंपलेट दोनों क्वेश्चन दे विच यूज़ कर रहे हो या तुसी डिफरेंट टैंपलेट यूज़ कर रहे हो। ये चीज़ तुसी ध्यान च रख के पेपर देन जाना है कि अगर थानू 2 एसे आ गए तो तुसी किवें उनू अटैम्प्ट करना है। एंड योर स्कोर विल बी अवेलुएटेड बेस्ड ऑन योर कंटेंट, फॉर्मल रिक्वायरमेंट, स्ट्रक्चर, ग्रामर, लिंग्विस्टिक रेंज, वोकैबलरी एंड स्पेलिंग्स। जो अवेलुएशन होएगी स्कोर की वो इन पॉइंट के बेस पर होएगी। कंटेंट के थोड़े 3 पॉइंट्स रहेंगे, फॉर्मल रिक्वायरमेंट 2 पॉइंट्स, स्ट्रक्चर 2 पॉइंट्स, दैन ग्रामर 2 पॉइंट्स, लिंग्विस्टिक रेंज 2 पॉइंट्स, वोकैबलरी 2 पॉइंट्स एंड द स्पैलिंग 2 पॉइंट्स। एक्चुअली ये सारे पॉइंट्स है की है वो मैं अगर डिस्कस कर रही हूँ थोड़े नाल। सब तो पहले आता है कंटेंट। कंटेंट विच थोड़े मार्क्स की डिवीजन हैगी है 3 to 1 and 0। 3 पॉइंट्स थानू ता मिलते हैं इफ द रिस्पोंस डील्स विद द प्रॉम्प्ट इन अ सैटिस्फैक्टरी मैनर। फॉर एग्जाम्पल, अगर थानू एसे दे विच 3 या 4 लाइनस आ रही ने, मतलब उहदा जिहड़ा टॉपिक है या उहदा टाइटल है 4 लाइनस का है, तो तुसी उन्हां 4 लाइनस नू किवें यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, थोड़े पैराग्राफ के विच 4 सॉरी थोड़े एसे दे विच 4 पैराग्राफ्स ने, तो वह 4 लाइनस तुसी 1-1 करके यूज़ कर रहे हो या एक टाइम पर 2 लाइनस यूज़ करती हाँ या लास्ट विच 2 लाइनस यूज़ कर रही हाँ। मीनस तुसी उस कंटेंट नू किवें यूज़ किया अपने टैंपलेट दे विच, ए थोड़ा डि इस चीज़ ते थोड़े 3 पॉइंट्स डिपेंड करते हैं। बट इन केस इफ द कंटेंट डील विद द रिस्पोंस एडिक्वेटली बट कैन नेगलेक्ट 1 माइनर एस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुसी 4 लाइनस चो 3 लाइनस ही यूज़ कीतियां या 2 लाइनस यूज़ कीतियां तो थानू 2 पॉइंट्स मिलेंगे। बट वो लाइनस तुसी किवें यूज़ कर रहे हो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। And you will get 1 point if the response fails to deal with more than 1 major aspects if you are ignoring all the lines. ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ 2-4 ਵਰਡਸ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸਪੋਂਸ ਤੋਂ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ 0 ਪੁਆਇੰਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਫੋਰਮਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਫੋਰਮਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਤੇ ਮੇਨ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 200 to 300 ਵਰਡਸ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 200 to 300 ਵਰਡਸ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡਿਫੀਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਐਕਸੀਡ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਐਂਡ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਇਫ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸ ਆਈਦਰ ਬਿਟਵੀਨ 120 to 199 ਵਰਡਸ ਔਰ 301 to 380 ਵਰਡਸ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਪੋਂਸ 200 ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਆ, 200 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਗਿਆ, 199 to 120 ਜਾਂ 301 to 380 ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਂਡ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 120 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 380 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 0 ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਂਪਲੇਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਲਾਈਨਸ ਫਿੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ। ਸਟਰਕਚਰ ਮੀਨਸ ਜੋ ਟੈਂਪਲੇਟ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਆਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਲੋਜੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਲੋਜੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਕਲੂਜ਼ਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਲੋਜੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਆਈਡੀਆਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆਸ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ
टैंपलेट दे विच वो किवें देने। अगर वो चीज़ा बहुत वधिया ने तो तुहानू दो पॉइंट्स मिलते हैं, बट यू विल गैट वन पॉइंट इफ द रिस्पोंस इज नॉट स्ट्रक्चर प्रॉपरली। मीनस तुसी टैंपलेट यूज किया बट वह स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं हैगा एंड सम कॉन्सीचुएंट्स आर लिंक्ड इन एप्रोप्रिएटली। जो भी तुसी कुछ यूज किया वो आपस दे विच लिंक नहीं कर रहा, मतलब तुसी फर्स्ट पैराग्राफ दे विच कुछ होर वर्डिंग लिखी है, सैकेंड दे विच कुछ होर लिख रहे हो, थर्ड दे विच कुछ होर लिख रहे हो। सो तुसी वो चीज़ का ध्यान रखना है। एंड जीरो पॉइंट्स इफ द रिस्पोंस लैक्स कोहरेंस डिवलपमेंट ऑफ आइडियाज एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर। जे थोड़ा स्ट्रक्चर बिल्कुल ही ठीक नहीं हैगा, उहदे च कोई कोहरेंस नहीं हैगी, आइडियाज दे विच कोई डिवलपमेंट नहीं है, दैन यू विल गैट द जीरो पॉइंट्स। नैक्सट इज़ द ग्रामर। ग्रामर का बहुत सिंपल जहा रूल है, ग्रामर इन द सेंस कि अगर थोड़ा कोई सैमी कॉलन है, कॉलन है, थोड़ी कोई स्पेस है, या कुछ कैपिटल लैटर्स ने या स्मॉल लैटर्स ने, उहदी किते भी कोई मिसटेक हुंदी है, अगर थोड़ी दो तो ज़्यादा मिसटेक्स हो गई तो थानू ऑटोमैटिकली जीरो नंबर ही मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर थोड़ी सिर्फ एक मिसटेक है, ग्रामैटिकल मिसटेक थोड़ी कॉमा की होगी या सैमी कॉलन की होगी, या कोई कैपिटल लैटर होना चाहिए सी तुसी स्मॉल यूज़ कर लिया तो थानू एक पॉइंट मिलेगा, और अगर थोड़ी कोई भी ग्रामैटिकल मिसटेक नहीं हैगी दैन यू विल गैट टू पॉइंट्स। सो जो थोड़ा एसे कंप्लीट हो जाता तो मैं यही इसे करके कह रही थी कि उस एसे नू रीचैक करना है कि थोड़ी कोई मिसटेक तो नहीं हैगी। नैक्सट इज़ द लिंग्विस्टिक रेंज। लिंग्विस्टिक रेंज बहुत सिंपल जहा है कि जो तुसी टैंपलेट यूज किया वो क्लीयरली तो प्रिसाइसली थोड़े आइडियाज़ नू कन्वे कर रहे हैं, तुसी एवें दा टैंपलेट यूज करना है, तो लिंग्विस्टिक रेंज यही है। ये मैनशन भी किया हुआ है कि अगर थोड़े थॉट्स ने वो क्लीयरली रिप्रजेंट हो रहे हैं, प्रिसाइसली रिप्रजेंट हो रहे हैं, दैन यू विल गैट द टू पॉइंट्स। नैक्सट इज़ द वन पॉइंट इफ द रिस्पोंस हैज़ अ फेयर सिमेंटिक रीच, परफेक्टली क्लीयर फॉर्मेशन ऑफ व्यूज एंड लेजिटिमेट कंटेंशंस टू हेल्प द सेंटेंस। मीन्स अगर थोड़ा जिहड़ा स्ट्रक्चर है वो बहुत वधिया नहीं, मतलब गुड नहीं हैगा, फेयर जहा हैगा, तो थानूं एक पॉइंट मिलता है। थोड़े मतलब जिहड़ी फॉर्मेशन है, जो तुसी वर्ड्स यूज कर रहे हो या तुसी कोई फ्रेजिज यूज कर रहे हो, उहदी फॉर्मेशन क्लीयर हैगी है तो थानू एक पॉइंट मिलेगा, बट अगर इन्हां विचों कुछ भी सैटिस्फाई नहीं हैगा दैन यू विल गैट जीरो पॉइंट्स। अगर थोड़ा स्ट्रक्चर च तुसी बहुत सी मतलब बहुत बेसिक लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो थानू जीरो पॉइंट्स मिलेंगे। नैक्सट इज़ द वकैबलरी। वकैबलरी दे विच ये है कि या तो तुसी बहुत सिंपल वकैबलरी यूज़ कर रहे हो या तुसी वधिया वकैबलरी यूज़ कर रहे हो, तो उस बेस से थोड़े पॉइंट्स की डिवीज़न होंगी है। थानू टू पॉइंट्स मिलेंगे इफ़ द रिस्पोंस कंटेन्स ग्रेट यूटिलाइजेशन ऑफ सेइंग्स फ्रेजिज एंड कन्वर्सेशनल आर्टिकुलेशन। मीनस अगर तुसी फ्रेजिज वधिया यूज़ कर रहे हो, कुछ वर्ड्स तुसी वधिया यूज कर रहे हो तो थानू दो पॉइंट्स मिलेंगे। अगर थोड़ा स्ट्रक्चर फेयर जहा हैगा, मतलब वो रिलेट करता जर्नल और अकैडमिक सब्जेक्ट्स नू, बट रिप्रजेंट्स लैक्सीकल डेफिशियंसीज लीडिंग टू इम्प्रिसीजन, दैन यू विल गैट दी वन पॉइंट। एंड जीरो पॉइंट्स इफ द रिस्पॉन्स हैज ऑनली बेसिक वोकैबुलरी एंड द रेंज ऑफ वोकैबुलरी इज नॉट फाउंड अप टू द मार्क टू जस्टिफाई द टॉपिक। मीन्स कंप्यूटर ने थोड़ा पेपर चैक करना है, अगर ओदियां रिक्वायरमेंट्स थोड़ियां रिक्वायरमेंट दे नाल मीट नहीं कर रही हैं दैन यू विल गैट जीरो पॉइंट्स। अगर तुसी वधिया वोकैबुलरी नहीं यूज कर रहे हो, अगर बहुत वधिया यूज कर रहे हो दैन यू विल गैट टू पॉइंट्स। इफ यू आर यूजिंग अ इंटरमीडिएट वोकैबुलरी दैन यू विल गैट वन पॉइंट। नैक्सट इज़ द स्पैलिंग। स्पैलिंग बहुत सिंपल जहा रूल है, जिमें ग्रामर का रूल सीगा, अगर सारे स्पैलिंग्स करैक्ट ने दैन यू विल गैट टू पॉइंट्स। इफ यू विल मेक वन मिसटेक दैन यू विल गैट वन पॉइंट। If you are make more than one to two mistakes, then you will get zero points. So spelling भी थोड़े free दे points ने, तुसी उसनू check कर सकते हो कि थोड़ी कोई spelling mistake तो नहीं हैगी है। तो नैक्सट है डू एंड डोंट्स। राइट एन एसे, कुछ चीज़ों का तुसी ध्यान रखना है जो तुसी एसे लिखते हो। ऑलवेज राइट विद इन द वर्ड लिमिट, 200 to 300 के विच ही तुसी लिखना है, तो यू विल गैट 20 minutes टू राइट एन एसे। थोड़े को 20 minutes होंगे एसे लिखने वास्ते, तो थोड़ा एसे 15 minutes के पूरा हो जाता है, उस तो बाद 5 minutes बच जाते हैं, तो उन्होंने मिनट्स के अपने एसे को रीचैक करना है। एंड वाइल राइटिंग मेक श्योर यू डोंट मेक एनी स्पैलिंग एरर, ग्रामैटिकल एरर, वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट। मीनस कंटेंट जिन्ना तुसी फिट कर सकते हो, किस लॉजिक दे नाल फिट करना है, वो चीज़ का तुसी ध्यान रखना है। ये चीज़ का बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि तुसी टैंपलेट किवें दा यूज़ कर रहे हो। ऑलवेज राइट इन अ फॉर्म,
फॉर्म दा उही मतलब है विद इन 200 to 300 वर्ड्स. टाइमर विल रिमेन ऑन थ्रू आउट वाइल राइटिंग. जदों भी थोड़े कोल स्क्रीन आउंदी है राइटिंग दे वास्ते तां राइट हैंड साइड ते अगेन थोड़े कोल टाइमर स्टार्ट हो जाता है. तो जदों भी टाइमर स्टार्ट हुंदा है तां वो कॉन्टीन्यूअसली मतलब रहेगा 2 या 3 मिनट रेड हो जाएगा कि हाँ थोड़े कोल इन्ना ही टाइम बचे है. सो तुसी टाइमर दे ज़्यादा फोकस नहीं करना क्योंकि 20 मिनट बहुत ज़्यादा होंगे हैं. तो तुसी आराम नाल 15 मिनट अपना ऐसे कंप्लीट कर सकते हो. एक चीज़ का होर ध्यान रखना है, यू कैन कॉपी पेस्ट एंड कट फ्रॉम योर रिटन टैक्सट. जो तुसी लिखिया सिर्फ तुसी ओदे चो ही कॉपी पेस्ट से कट कर सकते हो. जो उपर हैडिंग है उत्थे तुसी कुछ नहीं कर सकते हो. इफ यूर ऐसे कंप्लीट बिफोर टाइम दैन डोंट क्लिक द नैक्सट बटन. जो मैं रिटन टैक्स भी दसिया से अगर थोड़ा ऐसे 15 मिनट के कम कंप्लीट हो गया तो नैक्सट बटन पर क्लिक नहीं करना. जस्ट रीचैक यूर ऐसे टू अवॉयड एनी मिसटेक्स बिकॉज रिमेनिंग टाइम विल नॉट एड फर्दर. थोड़ा टाइम अगे ऐड नहीं होएगा. ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ. ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਂਪਲੇਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਟੈਂਪਲੇਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਅਰਸਨ ਦਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਟੈਂਪਲੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਨੈੱਟ ਤੇ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੋਈ ਟੈਂਪਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੈਂਪਲੇਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ. ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ.